नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जतिन पटेल और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ट्रिक्स एंड ऑफर्स। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी कमाल का और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आप अपने पुराने फोटोज़ को अपने मोबाइल से कैसे स्कैन कर सकते हो। हाँ दोस्तों, एकदम परफेक्ट स्कैनर में आज मैं आपको बताऊंगा, वो भी गूगल का स्कैनर है। कुछ देखने का नहीं दोस्तों, इसके अंदर आपको वन क्लिक के अंदर आपका फ़ोटो स्कैन हो जाएगा, वो भी एकदम क्लियर फ़ोटोज़। हाँ दोस्तों, एकदम शार्पनेस और एकदम क्लियर फोटोज़ आप अपने मोबाइल से स्कैन कर सकते हो। कैसे करेंगे ये सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो आपको करना क्या दोस्तों, आपको वीडियो एंड तक देखना है, लास्ट तक देखना है। तो दोस्तों, समझ निकालते वीडियो स्टार्ट करते वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी डेस में आपके लिए आते रहता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते तो दोस्तों, एप्लीकेशन का नाम है PhotoScan, जो गूगल से रिलेटेड है, गूगल की एप्लीकेशन है खुद की। तो PhotoScan एप्लीकेशन को हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे और कुछ परमिशन को हमें यहाँ पे अलाउ करना पड़ेगा। ऑलरेडी मैंने परमिशन को अलाउ करके रखा है, तो आपको यहाँ पे सिंपल यूजर इंटरफेस मिलेगा। आप देख सकते हैं फ्रेम ओपन हो चुका है, हमारा कैमरा ओपन हो चुका है। तो हमें यहाँ पर जो फ्रेम दी गई उसके अंदर हमें फ़ोटो को सेट करना है कुछ इस प्रकार। जो मेरे पास एक पुराना फ़ोटो है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो उसको आप अपने हिसाब से यहाँ से आप उसको फ्रेम में सेट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर टैप करना है, सिंपल कैमरे पर टैप करना है और यहाँ पे जो फोकस आ रहा है उसको आप यहाँ से हटा सकते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे कुछ ब्लर आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बैक जाएंगे और इसको यहाँ पे ऑफ़ कर देंगे। पहले तो हमें यहाँ पे फोकस नहीं चाहिए, लाइट नहीं चाहिए, तो उसको ऑफ़ कर लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से आपको यहाँ पर सिंपल उसके फ्रेम के अंदर आपको यहाँ पर सेट करना है कुछ इस प्रकार। फ़ोटो को सेम उसी पोजिशन में लाना है जो फ्रेम दी गई है आपको यहाँ पर। उसके बाद आपको टैप करना है, टैप करने के बाद आपको जो यहाँ पे जो एरो दिखा रहा है उस एरो पे आपको क्लिक करना है। आप देख सकते हैं उसको कैमरा को वहाँ पे लेके जाना है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे जो चार बिंदी दी गई है उसके ऊपर हमें क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी तो हमारा फोटो यहाँ पे रेडी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फोटोज यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं परफेक्टली फोटोज यहाँ पे कॉपी करके स्कैन हुआ है। इसका जो एडजस्ट कॉर्नर है वो भी यहाँ पे कॉर्नर एडजस्ट हो चुकी है, ऑटोमेटिकली हो जाता है, आपको करना नहीं पड़ता है। आप चाहते हैं यहाँ से रोटेट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार, और या फिर इसे कॉर्नर सेट करना चाहते हैं तो कॉर्नर भी सेट कर सकते हैं, और आपको रीसेट करना है तो रीसेट भी कर सकते हैं। परफेक्टली आप यहाँ से कर सकते, गूगल ऑटोमेटिकली वो रीसेट कॉर्नर कर लेता है, तो हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप डायरेक्टली यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे फ़ोटोज़ मैंने यहाँ से स्कैन किया है, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से फ़ोटो स्कैन किया है, वो मेरे पुराने फ़ोटोज़ से। इसी एप्लीकेशन का मैं यूज़ करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पुराने जो फ़ोटोज़ थे मैंने यहाँ पर स्कैन करके रखे। तो यहाँ पे अच्छी एप्लीकेशन है दोस्तों, इस एप्लीकेशन के जरिए आप पुराना से पुराना फ़ोटो को अच्छी तरह से स्कैन कर सकते हैं। आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड को भी, या फिर आपका कोई डॉक्यूमेंट है उसको स्कैन करना चाहते हैं तो वो इजीली आप इसको स्कैन कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है फ़ोटो स्कैन। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फ़ोटो स्कैन और सर्च करेंगे। जैसे ही हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे तो एप्लीकेशन आ जाएगी, थर्ड नंबर वाली जो एप्लीकेशन है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है गूगल LLC, यानी ये गूगल की एप्लीकेशन है खुद की और ट्रस्टेबल एप्लीकेशन है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को भी स्कैन कर सकते हैं यहाँ पे, और इसी एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो स्कैन बाय गूगल फोटोज़। तो दोस्तों इसी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, आप वहाँ से इस एप्लीकेशन को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों एक छोटी सी एप्लीकेशन थी, जो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी लिस्ट मैं आपके लाट देता हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट में वापस मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।